गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज वायरसेस। वायरसेस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इनकी जैसे हमने ये विटाकर की क्लासिफिकेशन की थी कि जो उसका बेस था क्लासिफिकेशन करने का, सबसे पहला जो पॉइंट था दैट इज टाइप ऑफ सेल। तो कैसे सेल थे, या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो रहे थे या यूकैरियोटिक, तो उसके बेसिस पे हमने क्या है, प्रोकैरियोट में सारे कौन से किंगडम आ गई थी, हमारी मोनरा, जबकि हमारे यूकैरियोट में सारे प्रोटिस्टा, फंजाई ये आए थे। लेकिन वायरसेस को हम सेल कह ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि इनके पास जैसे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर साइटोप्लाज्म है, प्रॉपर उनके पास मेम्ब्रेन्स हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट है वायरसेस में। इसलिए हम इनको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव सेल लाइक स्ट्रक्चर। तो वायरसेस के बारे में सबसे पहले हमें लुईस पाश्चर ने बताया था, और उन्होंने उसको क्या कहा था, वेनम कहा था, जहर, जहर का टर्म दिया था, वहीं से वर्ड ड्राइव हुआ है वायरसेस। सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली आइसोलेट किया था वायरसेस को, वो कौन थे, इवॉन्स्काई। उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स मिल रहे हैं किनमें प्लांट्स में से, जिसके अंदर किसकी इन्फेक्शन है, टबैको मोजाइक की इन्फेक्शन है, लेकिन ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया की तरह नहीं दिखाई दे रहे, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तब उनको नाम नहीं, एक्चुअली दे डू नॉट नो द नेम, बट ही आइसोलेटेड दैट ऑर्गेनिज्म विच आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो बाद में पता चला वो कौन है, वायरसेस हैं। फिर हमारे एक और साइंटिस्ट हुए स्टैनली, इन्होंने एक्चुअली आइसोलेट किया था वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में, डिपॉजिट में, जैसे आपके चीनी के दाने होते हैं, इस फॉर्म में आइसोलेट किया था। फोर्थ हमारे जो साइंटिस्ट हैं बेजरनेक, इन्होंने क्या कहा कि कोई भी प्लांट जो टोबैको मोजाइक से इन्फेक्टेड है, उसके फ्लूइड को हम लें और किसी एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्ट कर दें प्लांट में ही, तो आपको क्या दिखेगा, उसके फ्लूइड में भी वो टबैको मोजाइक दिखाई देगा। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरसेस के ऊपर अलग अलग काम किए। अब हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं एक्चुअल में दे आर नॉट सेल, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ जस्ट टू थिंग्स, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द सेल। तो न्यूक्लियो प्रोटीन दो कैटेगरीज, हम क्या कहें कि न्यूक्लियो प्रोटीन में दो चीजें बनी हुई है, एक तो कैप्सिड, इसको हम आउटर कवरिंग बोलते हैं, जो टोटली किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है, और दूसरा न्यूक्लियो वर्ड आया है हमारा जेनेटिक मटेरियल पर, जो क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो हमारा जितने भी वायरसेस हैं सिर्फ दो चीजों से बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, ये वायरस को बचा रहा है। दूसरी बात क्या है, अब जैसे मान लो बहुत सारी प्रोटीन्स जुड़ रही हैं, ये एक कवरिंग बना देंगी, इस एक सर्कल को, एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर बोलेंगे। तो यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमियर। ये कैप्सोमियर दो तरीके के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी शेप, शेप के हिसाब से। अगर ये राउंडेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे ये हमारा वायरस है और सारे ये बाहर कवरिंग बना रहे हैं, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्या है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए क्या टर्म आ गई, हेलिकल। जबकि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिसमें
आपकी जो कैप्सिड है एक प्रॉपर, जैसे आपका डायमंड शेप हो या पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल मतलब जिसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, पेंटा हो गया या हेक्सा हो गया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अरेंज कर ले उस कैप्सिड को हम क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रल। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ कैप्सोमियर, कैप्सोमियर अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हैं, अगर वो सर्कुलर पोजिशन में अरेंज कर रहे हैं तो उन्हें हम हेलिकल बोलेंगे, अगर वो एक प्रॉपर शेप पेंटागन हो सकती है, हेक्सागन हो सकती है, ऐसी शेप में अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रल। तो ये टोटली किससे बना हुआ है, प्रोटीन, इसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा वायरसेस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए से भी बना हो सकता है और डीएनए से भी बना हो सकता है। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज, ये जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पर डिटेल आएगी कि एक्चुअल में आरएनए या डीएनए किस चीज से बने होते हैं। यहां पर आपने सिर्फ क्या नोट करना है कि जेनेटिक मटेरियल दो तरीके का हो सकता है, एक आरएनए और डीएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जबकि डीएनए की क्या है, डी ऑक्सी आ जाएगा, बस डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में दो तरीके का हो सकता है, आरएनए भी और डीएनए भी। वो वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा हो रहा है बच्चे, आरएनए से बना हुआ है, ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, रिट्रोवायरसेस। दोज वायरसेस हुज जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ आरएनए आर कॉल्ड रिट्रोवायरसेस। जैसे पोलियो हो गया आपका, पोलियो कॉज करने वाला जो वायरस है, एचआईवी एड्स कॉज करने वाला वायरस है, और जो आजकल हम देख रहे हैं कोरोना डिजीज हमारी हो रही है उसको कॉज करने वाला जो कोविड वायरस है या कोरोना वायरस है, दैट इज आल्सो अ रिट्रो वायरस। उसके जेनेटिक मटेरियल भी किससे बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है। तो जितने भी प्लांट्स वायरसेस होते हैं हमारे, ये टोटली किससे बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं, जबकि हमारे एनिमल्स वायरसेस जो होते हैं वो आरएनए से भी बने हो सकते हैं और डीएनए। एनिमल वायरस का कहने का मतलब है वो वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट वायरसेस मतलब वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो प्लांट वायरसेस आर टोटली आरएनए, जबकि हमारा एनिमल वायरसेस मे बी आरएनए और मे बी डीएनए। अगर अब डीएनए है तो डीएनए की टू फॉर्म्स है, एक फॉर्म होती है अगर आपका डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, सिर्फ ऐसे प्रेजेंट है, एक ही धागा है, इसलिए हम उसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बोल देंगे। जबकि दूसरा क्या है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड, उसमें कैसे होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अब हमने पढ़ा कि जितने भी वायरसेस हैं उनमें सिर्फ यही दो चीजें हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए हम उनको कौन सी कैटेगरी में डाल रहे थे, नॉन सेलुलर कैटेगरी या ए सेलुलर कैटेगरी में डाल रहे थे, या हम बोले ए सेलुलर, विदाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस और देखे गए हैं जिनके बाहर, इस कैप्सिड के बाहर भी एक और लेयर प्रेजेंट, ये समझो हमारी कैप्सिड है, ये हो गई कैप्सिड, ये बीच में हमारा न्यूक्लिक एसिड है जो क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी। इस कैप्सिड के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट हो, ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, एनवलप वायरसेस बोलते हैं। ये बाहर की कवरिंग क्या कहलाती है, एनवलप। अब ये जो एनवलप है ये किस चीज से बना हुआ है बच्चे, प्रोटीन भी है इसके अंदर,
लिपिड भी है। आगे जाकर हम डिटेल पढ़ेंगे कि कोई भी मेम्ब्रेन सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन बनाती है या किसी भी लिविंग कहीं हम के ऊपर जो मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ टोटली प्रोटीन एंड लिपिड या प्लस फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सेल या हम कहें सेल लाइक स्ट्रक्चर में जो मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो एनवलप है ये इन तीन चीजों से बना हुआ है। इन तीन चीजों को बनाने के लिए प्रोटीन पोर्शन तो वायरस से आता है। प्रोटीन पोर्शन कहाँ है? वायरस खुद बनाएगा। लेकिन ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनेंगे? जिस होस्ट में, होस्ट क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिसको वायरस इन्फेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट। तो ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनेंगे? होस्ट से बनेंगे। जैसे मैं बात करूं कोई प्लांट वायरस है मेरा, तो अगर वो एनवलप्ड है तो उसका प्रोटीन वाला हिस्सा तो कहां से आएगा बच्चे? वायरस से। जबकि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट वो कहां से बनाएगा? प्लांट से, खुद प्लांट से ही बनाएगा। तो प्लांट के पार्ट को यूज कर रहा है वो अपनी चीजों को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हुए एनवलप वायरसेस। हमारे एनिमल वायरसेस आर ऑल एनवलप वायरसेस। जितने भी एनिमल को इन्फेक्ट करने वायरसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एनवलप। तो आज के टाइम जो हम कोरोना वायरस COVID-19 देख रहे हैं इट इज ऑल्सो अ एनवलप वायरस। इसका बीच में न्यूक्लिक एसिड है जो किससे बना हुआ है? आरएनए से। तो हम इसको क्या, आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? रिट्रो वायरसेस में। और ये क्या है? शेप चेंज करने वाली हेलिकल कैप्सिड प्रेजेंट है और इसके बाहर क्या है? एनवलप प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारे स्पाइक्स प्रेजेंट है। ये स्पाइक्स किससे बने हुए हैं? ग्लाइको प्रोटीन से बने हुए हैं। इनका नेचर क्या है? होस्ट में एंट्री करवाना या अटैचमेंट करवाना, होस्ट के साथ अटैचमेंट कराने में ये मदद करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं जो कोरोना वायरस है वो क्या है, हमारे थ्रोट में अटैच हो जाता है 3 डेज के लिए। तो जब तक वो 3 डेज में यहां स्पाइक्स की हेल्प से हमारे गले में अटैच्ड है, उसके बाद वो हमारे नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक में या लंग्स में जाता है। तो दी स्पाइक्स हेल्प देम टू अटैच विद द होस्ट बॉडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो बाद में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 3 डे यहां ले रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में फिर वो पहुंचेगा, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है, सिम्टम्स आने का टाइम पीरियड क्या है, बहुत लंबा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अबाउट 14 डेज के बाद किसी में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि 3 डेज के लिए तो वो हमारे थ्रोट में ही रह रहा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो हम आज देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ एनवलप वायरस है। अब हम इसके अगेंस्ट मेडिसिन क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि वायरसेस क्या होते हैं बच्चे? दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर, जब तक उनको कोई प्रॉपर होस्ट नहीं मिलता, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता, चाहे वो प्लांट है चाहे कोई एनिमल है, तब तक वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, दे आर इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही उनको कोई प्रॉपर होस्ट मिल जाता है तो वो दे बिहेव लाइक लिविंग, लिविंग की प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाएंगे। क्या पढ़ी थी हमने लिविंग की प्रॉपर्टीज? दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन मेटाबोलाइज्ड, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज ये कब दिखाएगा? जब वो किसके अंदर एंटर करेगा? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? होस्ट बोल रहे हैं। इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं ऑब्लिगेट। मैंने पहले भी ये टर्म बताई थी आपको, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट, ये बस ऐसा ही कर सकते हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या है, ये कब सरवाइव कर पाएंगे? जब ये दूसरे होस्ट में जाएंगे। तो ये पहले कैसे बिहेव कर रहे हैं? नॉन लिविंग हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट में एंटर करते हैं तो वो लिविंग की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उन्हें हम क्या, मेटाबॉलिज्म भी शो करेंगे, वो अपनी मल्टीप्लिकेशन भी शो करेंगे। तो
हमें वायरस के अगेंस्ट क्यों नहीं मेडिसिन मिलती, क्योंकि ये कब एक्टिव हो रहे हैं बच्चे, कब लिविंग की तरह काम कर रहे हैं, जब वो होस्ट में जा रहे हैं। तो होस्ट में जाने पर वो होस्ट की ही चीजों को यूज कर रहे हैं, दे यूज होस्ट मशीनरी टू सर्वाइव या टू कैरी आउट लिविंग प्रॉपर्टीज, मेटाबॉलिज्म करना या रिप्रोड्यूस करना। तो वो होस्ट की मशीनरी को, हम जिस ऑर्गेनिज्म में वो एंटर कर रहे हैं उसी को समान यूज कर वो क्या है, मल्टीप्लाई अपने काम कर रहे हैं, अपनी बाहर एनवलप बनाएंगे या अपने बाहर कैप्सिड बनाएंगे या अपने एक वायरस है उसे मल्टीप्लीकेशन और वायरस मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो ये सारा काम कब हो रहा है, जब उनको प्रॉपर होस्ट मिल रहा है। तो मेडिसिन बनाने के लिए क्या है कि हमारे पास स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। एक तो यही रीजन हो गया, दे यूज द होस्ट मशीनरी। दूसरा, इनके पास, वायरसेस के पास एक प्रॉपर्टी होती है टू म्यूटेट, मतलब ये अपना जो आरएनए है बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे जेनेटिक मटेरियल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहेगा तो कैप्सिड का नेचर भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल से ही क्या बन रहा है, कैप्सिड। लेकिन कब बन रहा है, जब वो होस्ट में जा रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म वो कब दिखा रहा है, जब वो होस्ट में। दूसरा, ये जो एनवेलप बन रहा है इसका प्रोटीन पार्ट भी कहां से बन रहा था, वायरस से। तो ये प्रोटीन भी लगातार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो जेनेटिक मटेरियल चेंज होने की वजह से, म्यूटेशंस होने की वजह से क्या है, हम वायरसेस के अगेंस्ट इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बना पाते, क्योंकि दे हैव द प्रॉपर्टी टू चेंज देमसेल्फ। वो अपने आप को चेंज करने की क्षमता रखते हैं, उनका आरएनए भी चेंज हो रहा है, आरएनए चेंज हो रहा है तो कैप्सिड भी चेंज हो रहा है, कैप्सिड चेंज हो रहा है तो उनका एनवलप भी चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन दे आर टोटली ऑब्लिगेट, दे बिहेव एज नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट एंड बिहेव लाइक अ लिविंग इनसाइड द होस्ट। तो इसलिए हम इनको समझ नहीं आता कि कौन सी कैटेगरी में डालें, इनको हम नॉन लिविंग बोलें या लिविंग बोले। लेकिन एक्चुअली व्हेन दे गेट सम होस्ट, सम ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट और आइदर एनिमल, दे बिहेव लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं, वो वायरसेस जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं टोटली, ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा सारा वायरसेस के बारे में। फिर दो छोटी छोटी टर्म्स आपकी बुक में दे रखी हैं, वायराइड्स। अभी हमने देखा वायरस किससे बना हुआ है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन। वायराइड क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल जिसके कैप्सिड ना हो, नेक्ट मतलब कवर ना हो, नंगा हो, जो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ऐसे प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वायराइड्स। डाइनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया और बताया कि ये दे कॉज इन्फेक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। दूसरी चीज है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हो, इसके विपरीत हम चले जाएं सिर्फ कैप्सिड हो, ये कैप्सिड है सिर्फ, अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल ना प्रेजेंट हो, ऐसे इन्फेक्शियस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं। तो वायराइड्स विदाउट कैप्सिड, प्रियॉन्स विदाउट जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है लाइकन्स, ये हमने फंजाई में भी किया था। क्या है ये, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है दो जीव इकट्ठे रह रहे हैं, कौन से जीव, एल्गी और फंजाई दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू सर्वाइव। ऐसी एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को ही मदद मिल रही है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहां पर एल्गी और फंजाई हैं हमारे लाइकन्स में, एल्गी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, और फंजाई पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइकोबायंट। एल्गी का काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना, बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स। माइकोबायंट का काम क्या है, टू
टेक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल बिकॉज इट फॉर्म हाइफी लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी सॉइल में इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें एल्गी को भी मदद हो रही है और फंजाई को भी मदद हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स। लाइकन्स के दो रोल देखते हैं हम, दे आर सेंसिटिव टू पॉल्यूशन, मतलब जहां पर जैसे बहुत पॉल्यूटेड सिटीज जो होती हैं वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं कर सकता। और जो बिल्कुल आपके, आपने देखा होगा जंगल के आसपास का जो एरिया होता है वहां पर पत्थरों के ऊपर भी ऐसे काई की तरह स्ट्रक्चर बना होता है, हरे हरे हो चुके होते हैं पत्थर, बट दे आर नॉट एल्गी, काई नहीं है वो, दे आर लाइकन्स। तो जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूटर। कि अगर जहां पर मान लो हम कोई ऐसा पत्थर हम जंगलों से उठा कर ले आए जिसके ऊपर लाइकन ही लाइकन है और किसी सिटी में लाकर उसको रख दें, थोड़े दिनों के बाद वो लाइकन वहां से उस पत्थर पर से खत्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज लाइकन्स आर सेंसिटिव टू पॉल्यूटेड, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है लाइकन्स का, दे प्ले रोल इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, लाइफ स्टार्ट होना। जैसे हमारे पहले क्या है, मान लो बिल्कुल रेगिस्तान है, पत्थर ही पत्थर है, पत्थरों पर सबसे पहली जो लाइफ फॉर्म आएगी वो कौन आएगी, लाइकन्स आएगी, और वो भी कौन सी, क्रस्टेशियस लाइकन्स, पत्थरों पर ग्रो होने वाली। तो पत्थरों पर ग्रो होकर वो क्या है, पत्थर को लूज कर देगी, लूज होने की वजह से ही क्या है, सॉयल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, सॉयल बनी तभी और कोई प्लांट वहां पर ग्रो कर सकता है। तो पहली लाइफ फॉर्म लाने के लिए लाइकन सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ स्टोन्स एंड मार्बल्स। वो पत्थरों को तोड़ने में मदद कर रहे हैं, और किस फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो लाइफ को ओरिजिनेट, नॉट ओरिजिनेट, स्टार्ट बोलेंगे हम, स्टार्ट करने के लिए लाइकन्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये जो लाइफ स्टार्ट होने वाला प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेस, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाना क्या कहलाता है, सक्सेशन। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।